कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आप लोगों के बेकरी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये किचन का ही डिपार्टमेंट है? क्या मुझे बेकरी में काम करने के लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा डिग्री और डिप्लोमा के अलावा? या इस डिपार्टमेंट में बहुत कम ही वैकेंसीज होती हैं बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले, जैसे कि हमारा इंडियन या हमारा कॉन्टी, और इसके बाद मुझे कहाँ कहाँ पे जॉब्स मिलेगी? तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मेरे इस चैनल पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप उन्हें जाइए देखिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ चैट के द्वारा या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अगर टॉपिक्स अच्छे हुए तो मैं उन पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, होटल के अंदर काफ़ी सारे हमारे सेक्शंस होते हैं। किचन एक अलग ही डिपार्टमेंट हो गया, जिसको कि हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, पर इसमें एक अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा बूचरी हो गया, हमारा गारमेंजर हो गया। उसी प्रकार से हमारा बेकरी इसके अंदर होता है, जो एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अब बेकरी के अंदर हमारे और भी कई सारे सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा पेस्ट्री, चॉकलेट रूम, और इसके अंदर हमारी कई सारी जो पेस्ट्री शॉप्स होती हैं हमारी होटल्स में, वो भी आती हैं, क्योंकि वो यहीं से भी ऑपरेट होती हैं। अब इस डिपार्टमेंट में भी हमारे कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 होते हैं, पर उनके आगे बेकरी पेस्ट्री लिख दिया जाता है। कॉमी 1 बेकरी पेस्ट्री, कॉमी 3 बेकरी पेस्ट्री, CDP कॉमी बेकरी पेस्ट्री, इस तरीके से। अब इसमें जो सबसे सीनियर होता है वो होता है आपका पेस्ट्री शेफ़ या बेकरी शेफ़, कुछ भी हो सकता है, या दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, या सेम एक ही शेफ़ हो सकता है। अब वो जो रिपोर्ट करता है आपका, वो भी आपके एग्जीक्यूटिव शेफ को ही रिपोर्ट करता है, वो भी आपके जो एग्जीक्यूटिव शेफ है उसके अंडर ही काम करता है। तो ये होगी आपकी हिराकी की बात। अगर आप चाहें तो आप जो सेम कोर्स कर रहे हैं अपना 3 इयर्स का या 1 इयर्स का, उसके बाद बेकरी में काम कर सकते हैं। आपको कोई अलग से कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, पर अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ और है, तो आप कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ बेकरी से ही रिलेटेड होते हैं, 1 साल के, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपने पहले से ही मन बना लिया है कि मुझे सिर्फ बेकरी में ही जाना है, तो आप ये कोर्स कीजिए। आप ये जो 3 साल वाला या जैसे हमारे 1 साल का फूड प्रोडक्शन का डिप्लोमा था, वो मत कीजिए। आप कीजिए डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्री या बेकरी इन कन्फेक्शनरी, आप इस तरीके की चीज़ें कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कि इसमें जो वैकेंसीज होती हैं वो कम होती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने भी होटल्स में जाएंगे वहाँ पे बेकरी पेस्ट्री होती ही होती है, आपको वहाँ जॉब की कोई कमी नहीं होगी। और ये आपके खुद का एक हाथ का काम है, हाथ की कला है, जैसे कि बाकी शेफ़ लोगों के हाथ की कला होती है। और ये बहुत ही हमारे इस टाइम इंडिया में बहुत ही फल फूल रहा है। अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी फूड की चेन्स हैं जो सिर्फ बेकरी या पेस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब इस सेक्शन में बनता क्या है आप में, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेकरी है, लेकिन बेकरी का मतलब नहीं कि सिर्फ आप यहाँ ब्रेड्स बना रहे हैं, आपके बिस्किट्स बनते हैं, आपके कुकीज़ बनती हैं, क्रॉसो बनते हैं, केक्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज बनती है, चॉकलेट्स बनते हैं आपके, और बहुत कुछ जो कि आप लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा। जब आप किसी कॉमर्शियल जगह जाएंगे, किसी होटल्स में जाएंगे, वहाँ आप काम करते देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने लाखों की संख्या में प्रोडक्ट बनते हैं। और ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, अगर आप चाहें अपना कैरियर इसमें प्रस्यू करना। अगर हम बात करें कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स इसमें ख़त्म कर ली है, तो आप क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जॉब के? जो सबसे पहला ऑप्शंस आता है, आप एज अ कॉमी या कह जैसे कि बाकी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स करते हैं, अपना स्टार्ट कैरियर होटल्स में, रेस्टोरेंट में, आप लोग वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए 1 साल का कोई डिप्लोमा कराया और आप चाहते हैं अपनी खुद की बेकरी खोलना, तो आप खोल सकते हैं। जी हाँ, आपको काम अच्छे से सीखना होगा, उसके बाद अपनी आप खुद की बेकरी खोल सकते हैं। बाकी ऑप्शंस भी है, आप लोग शिप में जा सकते हैं, आप किसी फ्लाइट किचन में काम कर सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप ये स्विगी जोमेटो जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सेम वही सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास भी होते हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स वाले के पास होते हैं, पर ये एक स्पेसिफिक हो जाता है कि आप सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दूसरे डिपार्टमेंट का काम और वहाँ के टेक्निकल स्किल्स नहीं आते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें कैरियर बनाना, तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप चाहें तो बाद में छोटे सेटअप में छोटा पैसा लगा के अपनी खुद की बेकरी या बेकरी पेस्ट्री शॉप खोल सकते हैं और उसको खुद ही रन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे टेक्निकल स्किल्स मालूम है उसके बारे में। तो आपको इसके लिए कोई भी 3 साल वाला डिग्री करने की जरूरत नहीं, आप अपना 1 साल का डिप्लोमा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, साथ साथ आप अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, अच्छे से सीखिए, और कुछ 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद अपनी खुद की एक छोटी सी बेकरी स्टार्ट कर दीजिए। इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, अगर आप नेट पे भी जाके देखेंगे आपको हजारों की संख्या में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यही खत्म करूंगा। आपके पास अगर बेकरी
बेकरी पेस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आप मुझसे दूसरे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके आंसर्स देने की। आप चाहे तो मुझे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी आप चाहें, टेलीग्राम। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।